हिमालय के वंश, आज हम आपको बताएंगे कि हिमालय के में कौन कितने वंश पाए जाते हैं, उन वंशों के नाम भी बताएंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। परीक्षाओं में अक्सर ये पूछा जाता है कि किन किन हिमालयों के बीच में कौन कौन से वंश पाए जाते हैं, जैसे शिवालिक हिमालय और विशाल मैदान के बीच में कौन से वंश पाए जाते हैं, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन से वंश पाए जाते हैं, और महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन से वंश पाए जाते हैं, इस महान हिमालय या ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय के बीच में कौन से वंश पाए जाते हैं। तो आज हम इन वंशों के बारे में चर्चा करेंगे, आपको हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे भी। तो देखिए आज हिमालय के वंश, तो हिमालय के वंश के पढ़ने से पहले हम आपको चर्चा करने से पहले हम आपको एक हिमालय और बताएंगे जो महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, जिसे हम ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं। अब देखिए उस हिमालय का नाम है ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय, ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय, ट्रांस अथवा के उत्तर में स्थित है, महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। सन 1906 ईस्वी में, सन 1906 ईस्वी में स्वेन हेडन ने सर्वप्रथम इस श्रेणी को मध्य एशिया की रीढ़ की हड्डी के नाम से पुकारा था। इसे हम काराकोरम पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। अब देखिए भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी का क्या नाम है, के टू गाडविन आस्टेन भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो आप बताएंगे ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय में स्थित है या काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, उसका क्या नाम है, के टू गाडविन आस्टेन। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रेणी केटू गाडविन आस्टेन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, आप बताएंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो यह देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी में भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रेणी केटू गाडविन स्थित है, यह कहां स्थित है, लद्दाख में यह पर्वत श्रेणी काराकोरम पर्वत श्रेणी स्थित है, यह वर्तमान समय में पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, लेकिन काराकोरम पर्वत श्रेणी अफगानिस्तान एवं चीन के सीमा का निर्धारण करता है, निर्धारण करता है। अब देख लीजिए अफगानिस्तान और चीन की सीमा पर, अब भारत की सीमा पर कौन सी पर्वत श्रेणी डिवाइड करती है, कौन सी मांकन करती है, कौन सी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी किन दो देशों के बीच में स्थित है, या चीन या भारत के, या चीन और अफगानिस्तान, ये तीनों काराकोरम पर्वत श्रेणी
अफगानिस्तान, चीन और भारत तीनों के बीच में सीमांकन का कार्य करती है। अब देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी को हम इनका क्रम जो है पश्चिम से पूरब क्रम है, एक उस क्रम परीक्षा में पूछा जाता है पश्चिम से ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय का जो है इसको पश नाम से हम जानते हैं, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब श्रेणियों का क्रम, श्रेणियों का क्रम क्रम है। देखिए पश्चिम में काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, जासक कैलाश पर्वत श्रेणी, कैलाश पर्वत हो गया कैलाश पर्वत श्रेणी। तो ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय का विस्तार जो है उत्तर पश्चिम से लेकर के यह जो है दक्षिण पूर्व तक फैला हुआ है। ऐसे तो यह सपोज ऐसे यह भी पूछा था ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की तरफ है, आप बताएंगे उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक इसका विस्तार ही है। और इन पर्वत श्रेणियों का क्रम कैसे है पश्चिम से पूर्व, आप बताएंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर कैलाश पर्वत श्रेणी, जिसे आप जानते हैं इसको आप कोड के माध्यम से भी याद कर सकते हैं काल जाके, क्या कर सकते हैं काल काल जाके काल जाक भी याद कर सकते हैं या काल जाकर। तो यह पर्वतों क्रम से पूछा जाता है काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये क्रम से आपको याद कर, इसलिए हम आपको बता दिए कि परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो आप बताएंगे काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। और ये ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय का हिमालय की पर्वत श्रेणियों का क्रम जो है अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में, ये पश्चिम से पूर्व पूछा जाता है, बता दिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी है। अब आप देख लीजिए हिमालय के वंश के बारे में तभी आपको समझ में आएगा, इसलिए तिब्बत का हिमालय के बारे में हमको चर्चा करना आवश्यक था। अब आप देखिए हिमालय में जो वंश पाए जाते हैं, हिमालय के वंश के बारे में चर्चा करेंगे। हिमालय का जो वंश है आप देखिएगा कि जैसे आप ये हमारे हाथ की जो चारों अंगुलियां आप देखिएगा ये ऐसे है, चारों अंगुलियों का निर्माण एक ही साथ नहीं हुआ है, अर्थात ये हिमालय का उत्थान एक एक ही साथ नहीं हुआ है, कई कालों में हुआ। जैसे आप सपोज कर लीजिए या इओसीन काल में महान हिमालय का निर्माण हुआ, मायोसीन काल में आपका मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, प्लायोसीन काल में शिवालिक श्रेणी का उत्थान हुआ, या जो छोटी वाली अंगुली देख रहे हैं यह इसको आप विशाल मैदान के नाम से जानिएगा। अब देखिए जैसे यह अंगुलियों के बीच सटी हुई है लेकिन बीच में इसके फाल्ट है जिसे भ्रंश है, दरार दिखाई दे रही होगी, तो यह जो है इसी को इसी तरह से हमारे हिमालय पर्वत का क्रम है, हिमालय पर्वत श्रेणियों का उत्थान जो हुआ है वह कई युगों में हुआ है, जब कई युगों में हुआ तो उसमें फाल्ट पाए गए हैं। अब उन फाल्टों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं और वह परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है इसलिए हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। आप देखिएगा हिमालय का वंश के क्रम से जानिएगा, हम बता रहे हैं आपको दक्षिण से उत्तर की तरफ हम चल रहे हैं, दक्षिण से उत्तर की तरफ। अब आप देख लीजिएगा यहां बना रहे हैं विशाल मैदान, ये है आपका का विशाल मैदान, ये क्रम हो गया, क्या है शिवालिक श्रेणी है, ये कौन सा है शिवालिक श्रेणी। अब फिर ये देखिएगा आपका यह जो है मध्य हिमालय जिसे हम लघु हिमालय के नाम जानते हैं, अभी बताया था महान हिमालय हो गया। अब यह जो है ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय, इसीलिए मैं आज चर्चा कर दिए हैं क्योंकि फाइल पढ़ाना था, ट्रांस अथवा ट्रांस हिमालय लिख दे रहा हूं या समझ लीजिएगा ट्रांस अथवा
तिब्बत हिमालय, ट्रांस हिमालय हो गए। अब इसमें देखिए आप स्पष्ट हो रहा है ये आपका क्या विशाल मैदान है, ये क्या है आपका विशाल मैदान है, ये विशाल मैदान है, ये पर्वत श्रेणियां हो गई। अब आप जानते हैं कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन काल में, मायोसीन काल में मध्य हिमालय का निर्माण, इओसीन काल में महान हिमालय का उत्थान हुआ। अब इसके उत्तर में जो है ट्रांस हिमालय, जो है ट्रांस हिमालय सीधा चली जाती है पामीर की ग्रंथ में मिल जाती है, इसका जो पश्चिमी सिरा है, और वहीं से जो है ये हिमालय के पहले के उत्थान की श्रेणियां है, इसलिए इस पर जो है, लेकिन बीच में इसमें फॉल्ट पाए जाते हैं। अब कितने फॉल्ट है आप देख लीजिए, अब एक दो तीन चार, कितने फॉल्ट पाए जाते हैं चार। अब देखिए विशाल मैदान के, विशाल मैदान के उत्तर में, देखिए आप विशाल मैदान है आपका, विशाल मैदान के उत्तर में और शिवालिक श्रेणी के बीच में कौन सा भ्रंश पाया जाता है, हिमालय अग्रभ्रंश, इसे कहते हैं अग्रभ्रंश, हिमाली अग्रभ्रंश, हिमाली अग्रभ्रंश। विशाल मैदान के उत्तर, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में कौन सा भ्रंश स्थित है, हिमालय अग्रभ्रंश। अब आप देखिए शिवालिक श्रेणी के उत्तर और मध्य हिमालय के दक्षिण, या यह भी कह सकते हैं शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय के बीच में कौन सा भ्रंश स्थित है, वह एमबीटी मेन बाउंड्री फॉल्ट जिसे कहते हैं, मेन एमबीटी हम लिख दे रहे हैं, एमबीटी एमबी यहां लिख दे रहे हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री। देखिए फिर आपका मध्य हिमालय के उत्तर और महान हिमालय के दक्षिण में भी एक फॉल्ट है, भ्रंश है, उस भ्रंश को हम किस नाम जानते हैं, एमसीटी, क्या कहते हैं एमसीटी, इसको कहा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये फॉल्ट नहीं थ्रस्ट लिखा, चलिए वही सही, गलती नहीं है, फिर फॉल्ट थ्रस्ट लिखिएगा, थ्रस्ट 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 है, फुल फॉर्म गलत हो गया था। तो आप देखिए एमसीटी मेन सेंट्रल, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो गया। अब देख लीजिए महान हिमालय के उत्तर और ट्रांस हिमालय के दक्षिण, यहां एक भ्रंश पाया जाता है, उस भ्रंश का नाम है हाफ लांग भ्रंश, भ्रंश हाफ लांग, इसे हम हाफ लांग भ्रंश के नाम से जानते हैं। तो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है ये चार फॉल्ट हैं आपके भ्रंश, तो शिवालिक श्रेणी के दक्षिण या विशाल मैदान के उत्तर, या यह कह सकते हैं हिमालय अग्रभ्रंश जो है शिवालिक श्रेणी और विशाल मैदान के बीच में स्थित है। फिर आप देखेंगे एमबीटी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, यह जो है शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। और फिर आप देखेंगे एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में स्थित है। फिर आप देखेंगे महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में हाफ लांग भ्रंश स्थित है। यह चारों भ्रंश आप याद रखिएगा, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, अब आप लोग गलत करके चले जाते हैं तो क्रम से याद करिएगा। देखिए बहुत आसान है, विशाल मैदान के उत्तर हिमालय अग्रभ्रंश, शिवालिक श्रेणी के उत्तर में एमबीटी भ्रंश मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मध्य हिमालय के उत्तर में एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, महान हिमालय के उत्तर में हाफ लांग भ्रंश पाए जाते हैं। यही कारण है कि हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में आए दिन भूकंप आते रहते हैं, क्योंकि यहां पर जो है भ्रंश हैं, इस कारण जो है वर्तमान समय में त्रस्तरी युग के पर्वतीय क्षेत्रों में आए दिन भूकंप आते रहते हैं। तो यह जो है परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, तो आप क्रम से याद, बहुत आसान है, इस तरीकों को याद ध्यान दीजिएगा कि हिमालय अग्रभ्रंश, फिर इसके बाद एमबीटी एमसीटी,
उत्तर से दक्षिण से उत्तर चलिए आप पहले हिमालय यक्रवंश फिर यम बीती फिर यम सीती शिवालिक के और विशाल मैदान के बीच में हिमालय यक्रवंश शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में यम बीती है फिर मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में यम सीटी है फिर आप देखेंगे महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में आपका हाफलांग थ्रस्ट ध्वंस है। अब आपको हम आगे चल रहे हैं आपका हिमालय के मुख्य दर्रों के नाम पर चर्चा करेंगे जो सभी परीक्षाओं में जो भी आप परीक्षा देंगे सभी परीक्षाओं में हिमालय के आज हम केवल हिमालय के दर्रों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसको हम अपने ट्रिक के माध्यम से कोड के माध्यम से हम आपको बताएंगे। यदि आप कोड के माध्यम से दर्रों को याद कर लेंगे तो कभी भी कोई भी प्रश्न दर्रों से संबंधित आपका प्रश्न गलत नहीं होगा और जब हम दर्रों को बताएंगे तो उस दर्रों को सुन करके दर्रों के कोड को सुन करके आपको लगेगा कि हाँ बहुत आसान है नहीं तो लगता है कि हिमालय के दर्रा बहुत कठिन है। अक्सर बच्चे जो है परीक्षाओं में गलत करके चले आते हैं। तो आप हिमालय के मुख्य दर्रों के नाम हिमालय के मुख्य के नाम ट्रिक के माध्यम से लिख दे रहे हैं ट्रिक कोड के माध्यम ट्रिक के माध्यम से भाई जो भी कोड हम हमारे द्वारा बनाया हुआ कोड है उस कोड को आप जब हम बोलेंगे आप आसानी से सुनिएगा तो आपको लगेगा पहले एक दिमाग को एकाग्र करके आप सुनिएगा तभी आपको दर्रों के कोड सब याद हो जाएंगे। और कोड को कॉपी पर जरूर लिखिएगा एक बार कॉपी वीडियो देखते समय कॉपी पर आप कोड को नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर दूसरे दिन या जब भी आपको खाली समय मिलता है तब फिर उस वीडियो को खोल करके आप देखिए तब शायद दो तीन वीडियो देखेंगे आजीवन आपको सब कोड याद हो जाएगा। मैं कोड के माध्यम से बता रहा हूं यह कोड हमारे द्वारा बनाया हुआ कोड है उस कोड में आपको ध्यान से सुनिए। अब हम राज्यवाइज पहले बताएंगे अब उस राज्यवाइज राज्यवार हम बता रहे हैं राज्यवार में आप देखिएगा कोड के माध्यम से जैसे कापी बाबू जो बाचा जो कापी बाबू जो बाचा वह कहां है जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में कश्मीर में एक कोड है भाई कोड के माध्यम बता रहा हूं कापी बाबू जो बाचा जम्मू कश्मीर में बारोसी 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 कहां है हिमाचल में बारोसी हिमाचल में हिमाचल प्रदेश में बारोची हिमाचल प्रदेश में मालिनी 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 थामू मालिनी थामू उत्तरांचल में उत्तरांचल में उत्तरांचल में वहां कापी बाबू जो बाचा जम्मू कश्मीर में बारोसी हिमाचल में मालिनी थामू उत्तरांचल में ये देखिएगा मालिनी थामू उत्तरांचल में पानूस पान पान सेदु बोधिया पान 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 सेदु बोधिया पान सेदु बोधिया पान सेदु बोधिया अरुणाचल में अरुणाचल में नाज 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 सिक्किम में नाज सिक्किम में तुम
तुम, तू, तू, तू मतलब दर्रे का नाम है, मतलब मणि है तुम, ये जान लीजिए। कापी बाबू जो बांचा जम्मू कश्मीर में, बारोसी हिमाचल प्रदेश में, मालनी थामू उत्तरांचल में, पान सेदु बोधिया अरुणाचल में, नाज सिक्किम में, और या तुम, तू से होगा दर्रे का नाम है, मा से मणिपुर है, ठीक है ना, तू मणिपुर, तो तुम समझ लीजिएगा। तो यह जो है कोड के माध्यम से है। अब आप देख लीजिएगा, फिर हम बता रहा हूं, अब एक एक क्रमवार से हम एक कोड के माध्यम से दर्रों के नाम बताएंगे। आप अपनी कॉपी के नोटबुक पर अवश्य लिखिएगा इस कोड को कि कॉपी बाबू जो बांचा जम्मू कश्मीर में, फिर आप देखेंगे बारोसी हिमाचल में, फिर आप देखेंगे मालनी थामू उत्तरांचल में, पान सेदू बोधिया अरुणाचल में, नाज सिक्किम में, तुम, ये जितने दर्रे हैं हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में, सभी दर्रों को हम कोड के माध्यम से आपको बता दे रहा हूं। फिर आप देखिए क्रम से हम लिख रहे हैं उसको, देखिए पहले जम्मू कश्मीर में ही चले हम, अब आप देखिए कापी बाबू जो बांचा, का से क्या हो जाएगा आपका, काराकोरम दर्रा, काराकोरम, पी से पीर पंजाल दर्रा, पीर, आ से बारा मूला दर्रा, जो बू से बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, जो से जोजिला दर्रा, बा से बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, चा से चांग, चा से चांगला दर्रा, चा से चांगला दर्रा, ये देखिए। अब यह हो गया कापी बाबू जो बांचा, कहा है जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हो गए याद रखिए, काराकोरम, का से काराकोरम दर्रा, पी से पीर पंजाल दर्रा, बा से बारामूला दर्रा, बू से बुर्जिल दर्रा, जो से जोजिला दर्रा, बा से बानिहाल दर्रा, चा से चांगला दर्रा, कितने दर्रे हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात। अब आप सपोज कर लीजिए राज्य वाइज पूछा जाता है कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो आप याद रखेंगे कापी बाबू जो बांचा, कापी बाबू जो बांचा कश्मीर में। तो यह आप हो गया कापी बाबू जो बांचा जम्मू कश्मीर में। अब आप दूसरा हमारा कोड देखेंगे जो दूसरे राज्य को हम बताए थे। अब आप देखिए दूसरे राज्य का बारोसी हिमाचल में, बारोसी, बारोसी हिमाचल में, बा से बारा लाचा, बा से हो जाएगा बारा लाचा ला दर्रा, बारा लाचा ला दर्रा, रो से रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, सी से सिपकिला दर्रा, सी से सिप किला दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये देखिए बारोसी हिमाचल प्रदेश में, बा से बारा लाचा ला दर्रा, रो से रोहतांग दर्रा, सी से आपका सिपकिला दर्रा हो गया। अब देखिए इसी तरह से आपको हम तीसरे राज्य का दर्रा बता रहा हूं हिमाचल प्रदेश का, मालिनी मान पाएंगे। अब उत्तरांचल राज्य के दर्रे का नाम है मालिनी थामू, मालिनी, मालिनी थामू, मालिनी थामू, ये कहां है उत्तरांचल में, उत्तरांचल, उत्तरांचल में। अब देखिए मालिनी थामू, थामू सारी सर साहब, थामू, थामू। अब देखिए आप मां से क्या हो जाएगा, माना दर्रा,
मा से माना दर्रा, ली से लिपु लेख दर्रा, लिपु लेख दर्रा, नी से नीत दर्रा, नीति दर्रा, मुंह से मुलिंगला दर्रा, मुलिंग नो मुंह से मुलिंगला दर्रा, था से नहीं लिखे, था से थामला थागला, था से थागला दर्रा, था से थागला दर्रा, था से थागला दर्रा, मालनी थागु थामू, मालनी थामू का कुल लिख दिए थे, देख ली मिला लीजिएगा, मालनी थाम मां से हो जाएगा माना दर्रा, लि से लिपु लेख दर्रा, नी से नीत दर्रा, और मुंह से मुलिंगला दर्रा, और था से आपका हो जाएगा थांगला दर्रा। अब देख लीजिएगा माना दर्रा को, माना दर्रा को किरबितिया दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए माना दर्रा का एक नाम और है, इसका जो है किरबितिया, 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 इसे किरबितिया दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो नाम है, इसलिए बता दे रहा, परीक्षा में पूछ सकता है, दर्रा के नाम से भी से जाना जाता है। तो माना दर्रा को किरबितिया दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह देख लीजिए मालनी थामू उत्तरांचल में, मां से आपका माना दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, नी से नीत दर्रा, था से थागला दर्रा, मुंह से हो गया मुलिंगला दर्रा। यह आपका जो हो गया मालिनी उत्तरांचल में हो गए। अब देखिए सेदु अरुण बोधिया, बोधिया अरुणांचल में, अब देखिए पान सेदु बोधिया, पान सेदु बोधिया अरुणांचल में। अब आप देख लीजिए पास क्या हो जाएगा, पा पान, पान से क्या हो जाएगा, पांग सांग, पांग पांग सांग सांड, पांग सांड, पांग सांड दर्रा, से सेला दर्रा, से सेला दर्रा, दूसरे दुमला दर्रा, दूसरे दुमला दुमला दर्रा, बो से बोम डिल्ला दर्रा, बोम डिल्ला, बोम डिल्ला दर्रा, दी से दिफू दर्रा, दिफू दिफू दर्रा, या से यांगाप दर्रा, यांग यांग्याप दर्रा। अब देखिए पांग सेदु बोधिया अरुणांचल में, पांग से आपको गया पांग सांग दर्रा, से सेला दर्रा, दू से दुमला दर्रा, बो से बोम डिल्ला दर्रा, बोम डिल्ला दर्रा, और दी से दिफु दर्रा, या से यांग्याप दर्रा। ये दर्रे हो गए आपका अरुणाचल प्रदेश में। अब नार सिक्किम में, अगले राज्य के दर्रे का नाम बता रहा हूं, नार सिक्किम में, नार सिक्किम में नाथुला दर्रा, ना से नाथुला दर्रा, जेपला दर्रा, जेपला दर्रा, नाज सिक्किम में, नाज में सिक्किम में दो ही दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेपला दर्रा। अब आप देखेंगे नाज सिक्किम में तुम तू तुम, म से होता है मणिपुर, म से मणिपुर, मणिपुर,
तू से तुझू दबा, तू से तुझू दबा, ये तुझू दर्रा जो है कहां है? मणिपुर। यह जो है आपका हिमालय के मुख्य दर्रों के नाम हो गए, और इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रखेंगे, मेरी गारंटी है परीक्षा में आपका कोई भी दर्रे से संबंधित प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। आप एक मिनट में सभी दर्रों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे थे, उन दर्रों को हम ट्रिक के माध्यम से आपको हम बता दिए। अब याद रखिएगा उस कोड को, आप अपनी कॉपी पहले नोट कर लीजिएगा, इसके बाद कोड के माध्यम से आप दो तीन बार वीडियो देखिए और दो तीन बार अपने नोट्स बुक को पढ़िए, आपको सभी दर्रे जो है आपको कंठस्थ हो जाएंगे। अब आपका प्रश्न पूछा जाता है हिमालय और महान हिमालय में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। पहले महान हिमालय के दर्रों के नाम, महान हिमालय, महान हिमालय बताएं। महान हिमालय को हम आंतरिक हिमालय, बर्फाच्छादित हिमालय या बर्फीले हिमालय, मुख्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। महान हिमालय के, महान हिमालय के मुख्य दर्रों के नाम, मुख्य दर्रों के नाम, ये भी हम आपको कोड के माध्यम से बताने जा रहे हैं। महान हिमालय के मुख्य दर्रों के नाम जो है हम कोड के माध्यम से बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें। जो देखिएगा आप तो हम बताने जा रहे हैं महान हिमालय के मुख्य दर्रों के नाम, महान बाबू, महान बाबू जी, नानी जोशीली थी, नानी जोशीली थी, ये हमारे द्वारा कोड है आपका, कोड के माध्यम से बता रहे हैं भाई। जो भी कोड हम बनाए हैं, हमारे द्वारा बनाया हुआ कोड है, इस कोड के माध्यम से आपको याद हो जाएगा कि महान हिमालय में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, आप आसानी से मालूम कर लेंगे। महान बाबूजी, नानी जोशीली थी। अब देखिए महान मतलब क्या हो जाएगा, महान हिमालय, महान से महान हिमालय हो गया आपका, ठीक। अब देखिए बा से कौन सा दर्रा होगा, बारा लाचा ला दर्रा, बारा लाचा ला दर्रा, बुश क्या हो जाएगा आपका, बुर्जिल दर्रा। जिस क्या हो जाएगा, जीप्ला दर्रा, जीप्ला, जिसे जेप्ला, जेप्ला दर्रा के नाम से जानते हैं। ना से नाथूला दर्रा, नाथूला दर्रा, दर्रा नी से नीति, नीति दर्रा, सी से सिपकिला दर्रा, सी से सिपकिला, सिपकिला दर्रा, ली से लिपुलेख दर्रा, लिपु लेख दर्रा, थी से था, जिसे थी मान लीजिए, थी से थीगला दर्रा, थीगला दर्रा या थागला जिसे कहते हैं, थागला दर्रा के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए महान हिमालय के मुख्य दर्रों के नाम, ये महान हिमालय में ये दर्रे स्थित हैं। परीक्षाओं पूछा जाता है महान हिमालय में स्थित दर्रा है, तो आपको याद रखना होगा महान बाबूजी, नानी जोशीली थी, थी से थागला दर्रा
या थेगला दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप जान लीजिए महान बाबूजी नानी जोशीली थी, इस कोड के माध्यम से आप याद करेंगे सब आपको याद हो जाएगा। आपको देखिए एक तो हम राज्यों के क्रम से बता दिए किन किन राज्यों में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। अब ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि महान हिमालय के मुख्य दर्रों के नाम बताइए, फिर दूसरा आता है मध्य हिमालय के दर्रों के नाम, मध्य मध्य हिमालय के मुख्य दर्रों के नाम, इसको भी आप कोड के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। लब बापीरो, लब बापीरो, मध्य हिमालय में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं यह बता दे रहा हूं कोड के माध्यम से। जो भी कोड हम बता रहे हैं यह हमारे द्वारा बनाया हुआ कोड है। लब बापीरो, लब जानते ही हैं आप लोग, बापीरो बापीरो, लब लब बापीरो बापीरो, ये कोड है भाई, याद रखिएगा कोड के माध्यम से। अगर आप कोड याद है तो आसानी से आप तुरंत क्लियर कर लेंगे कि मध्य हिमालय में कौन सा दर्रा स्थित है। लस क्या हो जाता है आपका, लघु हिमालय, इसको लघु हिमालय की भी जानते हैं ना, इसको लस है लघु हिमालय। अब तो लघु लस क्या हो जाएगा आपका, लघु हिमालय हो गया। अब देखिए बास से, बास कौन सा होगा, बनिहाल दर्रा, बस बनिहाल दर्रा, बारामूला दर्रा, बारामूला दर्रा, पी से पीर पंजाल दर्रा, पी से रो से रोहतांग दर्रा। अब ये कितने दर्रे हैं इसमें, मध्य हिमालय में मुख्य चार दर्रे हैं, लब बापीरो याद कर लीजिए तो आपको मध्य हिमालय में या लघु हिमालय में जो दर्रे हैं वह उस दर्रों के नाम आप आसानी से याद कर लेंगे। लब बापीरो, लस हो गया आपका लघु हिमालय या मध्य हिमालय जिसको नाम उसका पर्यायवाची नाम है, बस से बनिहाल दर्रा, बा से बारमूला दर्रा, पी से पीर पंजाल दर्रा और रो से रोह तांग दर्रा। यह जो हम जितने दर्रे बताए हैं आपको ट्रिप के माध्यम से बताया गया है। अब आप देख लीजिएगा हिमालय के मुख्य दर्रों को जब आप पढ़ेंगे तो आप इस ट्रिक के माध्यम से, इस कोड के माध्यम से आप याद करिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए यह ट्रिक जो है आपका, जैसे पहले आप इस ट्रिक को आसानी से अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इसके बाद वीडियो को दो तीन बार देख लीजिए। जब दो तीन बार वीडियो को आप इस ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो आसानी से सभी हिमालय के जितने 24-25 दर्रे थे, ये मुख्य दर्रे थे, सभी दर्रों को हम ट्रिक के माध्यम से राज्यों का बता दिए हैं और कौन कौन किस महा किस हिमालय किस श्रेणी में स्थित हैं, चाहे वो महान हिमालय के दर्रे के नाम हो चाहे वो मध्य हिमालय के दर्रों के नाम हो, सब ट्रिक के माध्यम से आपको बता दिया गया है। फिर इसको आप आसानी से पढ़िएगा, फिर अगले दिन हम आपको जो अगला वीडियो बनाएंगे भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, धन्यवाद।